विश्वेशलिंग संभूतम् विश्वविद्या विबोधकम् विश्ववंद्यम् सदा वंदे विश्वाराध्यम् जगद्गुरुम् काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं इस पवित्र शिव के नगरी में तत्रापि जंगमवाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अबाधित गत्या चल रहा है। हर एक प्रांत से भक्त लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में आप सब लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन भी सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत भक्तस्थल के बारे में हम लोग अभी तक विचार किया है। आज लिंग स्थलांतर्गत माहेश्वर स्थल के बारे में आज विचार करेंगे। इस माहेश्वर स्थल में भी नौ प्रकार के अवांतर स्थल बताए गए हैं। एक मंजिल पर जाने के लिए कई सीढ़ियों को चढ़कर आपको जाना पड़ता है, फिर दूसरे मंजिल जाने के लिए फिर आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसी तरह एक जीवात्मा अपनी साधना रूपी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते परमात्मा स्वरूप तक पहुंचने के लिए उनको कुल 101 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां बाहर की नहीं है, ये मानसिक विकास की सीढ़ियां हैं। जब तक हमारा मन संकुचित है तब तक हम जीव प्रकोष्ठ में आते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। जैसे जैसे हमारा मन विकसित होता जाता है उसमें व्यापक की भावनाएं आती जाती है, विश्व कौटुंबिक भाव जैसे जैसे आता जाता है वैसे एक सामान्य जीवात्मा धीरे धीरे महात्मा कहने लगता है। वहीं पर उनकी प्रगति रुक नहीं जाती है, लोक कल्याण की भावना रखते हुए जब वह अपना आत्मोद्धार कर लेता है, परमात्मा के साथ समरस हो जाता है, तब उसको महात्मा से परमात्मा कहा जाता है। इस तरह जीवात्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा तक जाने के लिए जीवात्मा को कई जन्म लग जाते हैं। आपको केवल काशी आने के लिए
कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। अभी तो गाड़ी घोड़ा का बहुत ही सुविधा हुआ है, नहीं तो पहले जमाने में पैदल आते थे काशी। एक बार काशी जाने के लिए जब तैयारी करके चलते थे, फिर वापस आने के सोचते नहीं थे वो लोग। काशी जाना है मतलब उधर ही जाना, वापस नहीं आना। इसलिए पहले जमाने में लोग कहते थे काशी जाना हो तो सब जो करना धरना सब समाप्त होने के बाद बुढ़ापे में काशी जाना, वापस आना नहीं है। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी नहीं है, आप एक घंटे में आपके गांव से काशी आ सकते हैं, एक घंटे में वापस आप अपने गांव भी जा सकते हैं, इतनी सुविधाएं अब हो गई हैं। बाहर की सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे मन की गति जो है अवरुद्ध हो गई। हम शरीर से कहीं जा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने मन का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए गीतादि शास्त्रों में कहा जाता है, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्मनामन्ते, अनेक जन्म बीतने के बाद केवल जन्म लिया खाया पिया मर गया तब उनकी प्रगति नहीं होती। अपने मानव जीवन प्राप्त होने के बाद जब तप साधना करके जो व्यक्ति अपने मन की स्थिति को विकसित करता है, वही व्यक्ति इस प्रकार अनेक जन्मों में साधना करते करते एक न एक दिन वहां जाकर पहुंच सकता है। इसलिए इस स्थान में जाने के लिए बहुत रास्ता लंबा है, सीढ़ियां बहुत है, इसके ऊपर हम कैसे चढ़ेंगे, इस तरह डर के घर में बैठने से कोई काम नहीं चलता है। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वतमस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचतानि शनैः शनैः। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो हम कभी न कभी जा करके पहुंच जाते हैं। चींटी होते हैं चींटी, उसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसका शरीर बहुत छोटा है, शरीर के अनुरूप उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर भी वो चलता रहता है चलता रहता है। आप मीठा पदार्थ कहीं भी रखो अपने घर में, वो बरोबर उसी के पास जाकर पहुंच जाता। ये इतना दूर रखा है, डब्बे में बंद करके रखा है, क्या जाना छोड़ो, ऐसा नहीं छोड़ता है वो। क्योंकि अपना खाद्य है, पदार्थ है, उसको पाना ही उसका जीवन का लक्ष्य होता है। आप कितना भी उसका स्थान बदल बदल करके कहीं भी रखो, लेकिन वह अवश्य जा करके पहुंच जाता। देखने के लिए बहुत छोटा सा जीव है, आप एक फूंक मारेंगे उफ करके वो इधर से उधर भाग जाता है। इतना छोटा सा जीव है, फिर भी जिद्दी जीव है, अपना जिद नहीं छोड़ता है। तो जैसे पिपीली का चींटी एक एक पग रखते रखते कई मील भी जा सकता है, कितना दूर भी जा सकता है, इसको देख करके जीवात्मा को भी अपने लक्ष्य के लिए विचार करना चाहिए। चींटी का लक्ष्य क्या है? मधुर पदार्थ को पाना ही उसका जीवन का लक्ष्य है। उसको छोड़ करके अगल बगल में तीता वाता कुछ भी रखो, नमकीन पदार्थ, तो उसके तरफ देखता भी नहीं, उसको सूंघने भी नहीं जाता, और सीधा मीठा की तरफ ही जाता। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं,
और कुछ इसको भी खाता है, उसको भी खाता है, इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, वो सीधा नहीं जाता, सीधा नहीं जाता। इसलिए मनुष्य जो है जल्दी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। तो हमारे शास्त्रकारों ने इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचवाने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि में छोटे 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 स्थल किए हुए हैं, 101 प्रकार के स्थल है। उसमें लिंग स्थल के बारे में हम लोग विचार करते हुए आज लिंग स्थल अंतर्गत माहेश्वर स्थल के बारे में विचार करेंगे। इसमें क्या आपको समझाते हैं, स्थलानाम नवकम प्रोक्तम भक्त स्थल समाश्रयम माहेश्वर स्थले सिद्धम स्थल भेदम वदस्वमे। माहेश्वर स्थले संति स्थलानि नवतापस क्रियागम स्थलम पूर्वम ततो भावागम स्थलम ज्ञानागम स्थलम चात सकाय स्थलमीरितम ततो अकाय स्थलम प्रोक्तम परकाय स्थलम ततः धर्माचार स्थलम चात भावाचार स्थलम ततः ज्ञानाचार स्थलं चेति क्रमादेशाम भिदोच्यते। यहां पर अगस्त्य महर्षि प्रश्न करता है, लिंगस्थल अंतर्गत माहेश्वर स्थल का जो साधक है वो कितने सीढ़ियां चढ़ करके आगे जा सकता है। तो बताते उनको 9 प्रकार की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उसमें पहला सीढ़ी का नाम है क्रियागम स्थलम। तो क्रियागम का अर्थ बताते हैं, शिवो ही परम साक्षात पूजा तस्य क्रियोच्यते तत्परा आगमा यस्मात् तदुक्तोयम् क्रियागमः। शिवो ही परम साक्षात पूजा तस्य क्रियोच्यते। क्रिया को बताने वाला जो शास्त्र है उसका नाम क्रियागम है। आप लोग आगम शब्द का बहुत बार सुने भी होंगे। हमारे भारत देश में 2 मुख्य साहित्य है, एक वेद साहित्य है, दूसरा आगम साहित्य है। ये दोनों भगवान के श्वासोच्छ्वास के द्वारा और उनके वैखरी उपदेश के द्वारा निकले हुए हैं। निःश्वसितमेतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणवेदः। इस मंत्र के आधार पर भगवान शिव के ही 4 मुखों के द्वारा जो श्वासोच्छ्वास होता है उससे 4 वेदों का आविष्कार होता है। और उसी भगवान के जो पंचम जो ईशान ऊर्ध्व मुख है उसके द्वारा 28 शैवागमों की उत्पत्ति हुई है। इन आगम शास्त्रों में मंदिर कैसे बांधना चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसी करनी चाहिए, घर कैसा बांधना चाहिए, जो वास्तु शास्त्र बताया गया है वो सभी आगम शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है। अपना घर कैसा रहना, अपना मंदिर कैसा रहना, क्योंकि जिस स्थान पर जीवात्मा को अपना जीवन व्यतीत करना है उसको वहां पर सुख शांति मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को शास्त्र का परिज्ञान नहीं होने के कारण कैसे भी बांधते हैं, कैसे भी रहते हैं, घर तो बहुत बड़ा है लेकिन घर में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, इसका रहस्य नहीं मालूम होने के कारण बहुत से लोग अनंत दुख का अनुभव करते रहते हैं। इसलिए जीवात्मा को सभी प्रकार का शास्त्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। हमारे देश के ऋषियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने, संतों ने उसका विश्लेषण करके लोगों को बताया है। तो इस प्रकार जो आगम शास्त्र है, आगम शास्त्र में भी भगवान की पूजा के बारे में अनेक प्रकार की विधियां बताई गई है। तो क्रियागम शब्द का अर्थ होता है भगवान की पूजा ही यहां पर क्रिया है। भगवान शिव की पूजा, हम लोग भगवान शिव को इष्टलिंग के रूप में पूजा करते हैं।
तो इष्टलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए उसका भी एक विधान है। लिंग धारण कैसा करना चाहिए, किस हाथ के ऊपर लिंग को रखना चाहिए और उसकी पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगते हैं, पहले क्या अर्पण करना है, बाद में क्या अर्पण करना है, ये सब विधान है। आप जो है रसोई बनाते हैं, एक सब्जी बनाने के लिए कई सामग्री का उपयोग किया जाता है, उसमें तेल भी लगता है, मिर्चा भी लगता है और बहुत से सामग्री लगते हैं, सब्जी भी लगता है, लेकिन पहले क्या डालना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब आप रसोई बनाने के लिए चूल्हे के सामने बैठते हैं, जो पहले डालना है उसको बाद में डालिए, जो बाद में डालना है उसको पहले डालिए, क्या होता है, सब्जी कैसी होती है? सब्जी तो होती है लेकिन वो सब्जी के जैसे नहीं होती। उसको किसी को खाने के लिए देंगे, वो कहेगा कौन बनाया है। तो बनाने वाले व्यक्ति की कला कैसी है उसको खाने से पता लगता है, अर्थात ये मन से बनाया है या बिना मन से बनाया है, जान करके बनाया है, अनजान में बनाया है। रसोई सीखने वाले भी रसोई बनाते हैं और सीखा हुआ व्यक्ति भी रसोई बनाता, उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे खाना खाने के लिए हमको उसमें रुचिकरता आनी चाहिए, स्वादिष्टता आना चाहिए, इसलिए हम लोग जैसे उसके ख्याल करते हैं, उसी तरह भगवान की पूजा करने में भी आपको रुचि होनी चाहिए। हमारी रुचि खाने में अधिक रहती है, पूजा में बहुत कम रुचि रहती है, बहुत कम रुचि रहते हैं। कभी कभी हमको ऐसे सुनने में मिलता है, यात्रा के लिए बहुत से लोग आते हैं, काशी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं और भी कहीं पर भी जाते हैं, जब भी जाते हैं तो उनको पहले क्या करना रहता है, भगले भगवान का दर्शन करना है, बाद में भोजन करना रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं पहले पोठोबा मागुन विठोबा, पहले भोजन करो बाद में भगवान का दर्शन करो। किसी को जब भूख लगी है फिर भी भगवान का दर्शन करना चाहता, वो सोचता चलो जल्दी जल्दी भगवान का दर्शन करके आएंगे, आराम से बैठ करके भोजन करेंगे। भगवान का दर्शन जल्दी जल्दी करना है, भोजन आराम से करना, कितना फर्क है। ऐसा सुनने को नहीं मिलता है, चलो जल्दी जल्दी भोजन करो, आराम से बैठ करके पूजा करेंगे। अर्थात आपकी रुचि कहां पर है आपके व्यवहार से वो पता लगता है। इसलिए यहां पर क्रियागम स्थल में क्रिया का अर्थ है भगवान शिव की जो पूजा है उसका नाम क्रिया है, उस क्रिया को बताने वाला जो स्थल है उसका नाम क्रियागम स्थलम, क्रियागम स्थलम। तो हमको सबसे बड़ा क्रिया है भगवान शिव की पूजा जो है वो सबसे बड़ा क्रिया माना जाता है। प्रकाशते यथा नाग्निरे अरण्याम मथनम विना क्रियां विना तथान्तस्थो न प्रकाशो भवेत् शिवः। यहां पर प्रश्न उपस्थित हो जाता है पूजा क्यों करनी चाहिए, चाहे मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा हो या अपने हथेली पर रख करके इष्टलिंग की पूजा हो, ये पूजा क्यों करना है? पूजा नहीं करने से चलता नहीं है क्या? बहुत से लोग बिना पूजे भगवान का दर्शन के बिना उनका सब चलता है, व्यापार भी अच्छा है, भोजन भी अच्छा करते हैं, वो सब चलता है। हमको ये पूजा पूजा ये क्यों हमारे पीछे लगा हुआ है, इधर अभिषेक करो, इधर बिल्वाचना करो, उधर वो करो, इधर ये करो, ये क्यों करना चाहिए? तो यहां पर उसका रहस्य बताते हैं।
जैसे मंथन के बिना अग्नि प्रकट नहीं होता है। पहले जमाने में जब यज्ञ याग करते थे उस समय अग्नि प्राकट्य करने के लिए अरणि का मंथन करते थे, दो लकड़ी लेकर के उसको घिसते थे, बहुत समय के बाद अग्नि का प्राकट्य होता था। अब तो बहुत सरल हो गया, दिया सलाई हो गया, अब लाइटर हो गया, तो कितना सरल है, तुरंत तुरंत आग लग जाता है। पहले जमाने में अग्नि प्रकट करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था। आजकल के लोगों के लिए समय का प्रतीक्षा नहीं करना है, सब जल्दी होना है, सब जल्दी होना है। अब हमको लगता है थोड़े दिन के बाद पेट में रहने वाला बच्चा भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी चलो जल्दी हमको प्रपंच देखना है, बाहर का दुनिया देखना है, जल्दी जाना है। ये सभी दिन हमको देखने के लिए बहुत दिन नहीं लगेंगे, ऐसे भी होने की संभावना है। तो जैसे अग्नि प्राकट्य करने के लिए अरण्य मंथन के बिना अग्नि जैसे प्रकट नहीं होता है, उसी प्रकार पूजा रूपी क्रिया के बिना भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। अग्नि प्रकट, अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। लकड़ी से अग्नि निकालना आपके लिए बहुत ही कष्टदायक है। आपको दूसरा तरीका हम बताएंगे। दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, आप कितना भी हाथ उसमें फिरो लेकिन आपके हाथ में मक्खन नहीं लगता। दूध के प्रत्येक कण कण में मक्खन छिपा हुआ है। उसको निकालने के लिए आप कुछ क्रिया करनी पड़ती है। दूध पहले गर्म करो और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें दही डालो और रात भर जो है दही जम जाता है और उसके ऊपर जो मलाई या साया आता है उसको लेकर के आप जब मथन करेंगे तब आपको मक्खन हाथ में आ जाता है। दूध में मक्खन होते हुए भी बिना परिश्रम किए, बिना उसको तपाए, दही जमाए, उसका मथन किए, जैसे मक्खन आपके हाथ में नहीं आता है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। भगवान का स्थान क्या है, कहाँ है, तो वो तो हमारे देखने के दृष्टि से उससे लगता है, लेकिन प्रत्येक कण कण में, अणु अणु में भगवान की व्याप्ति है। अणु रेणु तृण काष्ठ में उसकी व्याप्ति है, सब में व्यापक। शास्त्रों में कहा गया है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। तो पूछा गया है कि भगवान कहाँ रहता है और कैसे रहता है, उसके लिए उदाहरण दिया गया है। आकाश जैसे सब जगह पर है, आप जहां जहां से आए हैं, आपके गांव में भी आकाश है और काशी में भी आकाश है और काशी से आगे थोड़ा सा और दूर केदार में जाएंगे वहां भी आकाश मिलेगा और विदेश जाएंगे वहां भी आकाश मिलेगा। आप जहां जहां जाएंगे आपका आकाश अवश्य मिलता, कभी हवा आपको नहीं मिल सकती है, आपको पानी नहीं मिल सकता है, आपको अग्नि नहीं मिल सकती है, आपको मिट्टी नहीं मिल सकता, लेकिन आकाश आपको कहीं भी जाओ आपको आकाश मिलेगा ही मिलेगा। कई अंतरिक्ष यात्री खगोल शास्त्र अभ्यास करने के लिए आकाश में चले जाते हैं तो हवा का सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर आकाश है लेकिन हवा नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं आपको सुनने में मिला है कि वो जा रहे हैं वहां आकाश नहीं है, आकाश को भी ले जा रहा है? आप अपने साथ मिट्टी ले जा सकते हैं, अपने साथ जल ले जा सकते हैं, अपने साथ अग्नि ले जा सकते हैं, अपने साथ हवा ले जा सकते हैं,
लेकिन ऐसे कहीं सुनने को नहीं मिला है कि फलाना जगह पर आकाश नहीं, इसलिए आकाश को भी यहां से ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अर्थात आकाश सर्वत्र व्याप्त है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। इसलिए कहा जाता है जैसे आकाश सब लोक परलोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल जहां भी नीचे तक जाएंगे वहां तक भी आकाश ही है। आप जमीन खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ पानी लगेगा, पानी के नीचे और आकाश ही है। और उसके बाद भू हो भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम, जो ऊर्ध्व के सात लोक है, जितना भी ऊपर जाओ उतना आकाश है, जितना भी नीचे जाओ उतना आकाश है। जैसे आकाश सर्वत्र है, रहते हुए भी हमको उसका अनुभव नहीं होता। आपको पानी का अनुभव होता है, किसी गांव में जाएंगे कुएं का पानी पिएंगे, आपको लगता है पानी अच्छा है कि पानी बुरा है, पानी खट्टा है कि मीठा है, आपको अनुभव होता है। तो पानी के बारे में आप बताएंगे ठीक है, उसका अनुभव हो लगता है आप। और कभी कभी कहीं जाते हैं ज्यादा गर्मी रहेगी तो आपको लगता है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, काशी में बहुत गर्मी है, अभी बहुत कम हो गया है। जब पहले हमारा बिल्वाचन का प्रारंभ हुआ 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन, आए हुए लोग इतना घबरा गए, हम क्या अग्नि में बैठे हुए हैं क्या? कितना फैन, बड़े बड़े फैन लगाने पर भी उनको हवा ही नहीं लगता था, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। तो आपको अग्नि का अनुभव होता है, पानी का अनुभव होता है, मिट्टी का अनुभव होता है, और हवा का भी आपको अनुभव होता है, ठंड और गर्म हवा का अनुभव होता है, लेकिन आकाश का अनुभव आपको कहाँ होता है? आकाश में घूमते हैं, आकाश में आते हैं जाते हैं, लेकिन आपका आकाश का स्पर्श नहीं होता। जब सर्वत्र रहता हुआ आकाश में आप रहते हुए भी आपको आकाश का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। आप रहते भी परमात्मा के ऊपर, चलते भी परमात्मा के ऊपर, बिना परमात्मा का आपका एक भी काम नहीं होता है। तेन विना तृणमपि न चलती। यहां तक कहा गया है कि उस भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। ऐसे सारे सृष्टि के नियंत्रण करने वाले परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी हमको उसका पता ही नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा, ये सब जो है पागल लोग है, भगवान के पीछे पागल हो गए, और भगवान भगवान कहते चलते हैं, कहाँ है भगवान कहाँ। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जो बोल रहा है भगवान का, जो खंडन कर रहा है वो भगवान की शक्ति से ही भगवान का खंडन करता है। इस तरह है इस संसार में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। हम जहां बैठे यहां सब जग अग्नि है, हम लोग अग्नि में बैठे ले, अग्नि प्रकट नहीं हुआ इसलिए हम लोग जलते नहीं। आप कहीं पर भी जा करके दिया सलाई चक घर्षण करेंगे, जा लाइटर जलाएंगे तो तुरंत अग्नि लग जाती है। कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं है कि उस कमरे में लगता इस कमरे में नहीं लगता, ऐसा नहीं। तो अग्नि सर्वत्र होने पर भी जैसे अरण्य मंथन के बिना वो अग्नि प्रकट नहीं होता है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र होते हुए उसकी प्राकट्य करने के लिए उसकी पूजा करनी पड़ती है। एक स्थान पर मूर्ति बना करके पूजा किया जा सकता है, या तो अपने हस्तपीठ पर इष्टलिंग रख करके उसकी पूजा की जाती है। जब आप लोग लिंग की पूजा करते हैं उस समय आपकी भावना भगवत भावना हो जाती है, तो भावना में इतना सामर्थ्य रहता है तो भगवान को बांध के रखने का सामर्थ्य आपके भावना में रहता है। इसलिए यहां पर कहा जाता है भगवान के प्राकट्य करने के लिए जो पूजा का विधान किया जाता है, जो क्रियाएं बताई जाती हैं,
उस स्थल का नाम है क्रियागम स्थलम। न यथा विधिलोपस्याद् यथा देवः प्रसीदति यथागमः प्रमाणं स्यात् तथा कर्म समाचरेत। तो कर्म करने के लिए कुछ विधान होता है, जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को रसोई बनाने का एक विधान होता है, बनाने का जैसे एक विधि होती है। सभी शास्त्र सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के हाथ काम किए कोई अनुभव नहीं हो सकता। एक बार एक गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की कभी चूल्हे के सामने नहीं गई, कभी सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाया, तो लड़की को शादी करके भेजने से पहले सब सिखाते हैं, उसके साथ उसको रसोई भी सिखा करके भेजना चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों को सब सिखाते हैं लेकिन रसोई नहीं सिखाते हैं। इसलिए क्या सोचते हैं, चलो होटल में खाओ, हॉस्पिटल में मरो और दूसरा कुछ नहीं। घर में जन्म भी नहीं होता है, घर में मरण भी नहीं होता। तो पहले परंपरा थी जो ही कोई व्यक्ति मरता है तो उसको घर लाया जाता था, अब घर में नहीं लाते, चलो उधर ही जन्म है, उसका जन्म ही हॉस्पिटल में हुआ है तो उसका मरण भी वहीं होता है। तो बिना सीखे उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको ऐसा लगा कि मेरे पति को कुछ न कुछ अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाना चाहिए, लेकिन बनाना ही सीखा नहीं तो खिलाएगी कैसी। उन्होंने एक पुस्तक ले आया, रसोई बनाने का पुस्तक तो बहुत से मिलते हैं, तो पुस्तक पढ़ पढ़ करके बीए एमए सब पास किया है। उन्होंने सोचा कि जब इतना मैंने पास किया तो रसोई परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगी, तो क्या पदार्थ करना है, कैसे करना है, क्या क्या उसमें मिश्रण करना है, वो सब लिस्ट लगा लिया, सामग्री लाया और देखा कि कैसे करना, आगे कुछ मालूम नहीं हुआ। तो बगल में घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, तो उसके पास जा करके पूछा कि ये कैसे कैसे करना है। उन्होंने कैसे करना उसको सब समझा दिया। समझाने के बाद भी घर आकर करते तो कुछ बना नहीं, बनता नहीं। उन्होंने सोचा अज्जी के हाथ से बन रहा है, मेरे हाथ से क्यों नहीं बनता है। तब उन्होंने क्या किया, अज्जी के जैसे होंगे तभी हमारा खाना हो सकता है। तो विधवा बूढ़ी माँ थी, वो पूरा अपना केश जो है निकाल दिया था, तो उन्होंने सोचा बिना केश निकाले सब्जी नहीं बनता, ऐसा सोच लिया। भोली भाली उसको कुछ भी मालूम नहीं, तुरंत एक कटिंग दुकान में गई और पूरा पूरा अपना बाल जो है अस्तुरा से निकलवा लिया और आकर रसोई बनाते बैठी। तब तक पतिदेव आया, उन्हें सोचा कि हमारे घर में कौन बूढ़ी माँ आई है। जब नजदीक आकर के देखता है तो अपनी पत्नी है। उन्होंने पूछा तुम्हारा ऐसा स्वरूप कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए मैं ऐसे हो गई हूं, इसमें केस निकालने की क्या जरूरत थी। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन सब्जी नहीं बना, बगल के बूढ़ी माँ सब केस निकाले हुई थी इसलिए उसको दे करके मैंने वैसे किया, लेकिन उसको आग लगाना ये मालूम नहीं है, चूल्हे पर सब रखा लेकिन कुछ नहीं होता, नीचे से अग्नि नहीं है तो कैसे होगा। चाहे तुम केस निकालो चाहे केस लगाओ कुछ भी करो लेकिन बनेगा कैसे। जैसे विधि के जानकारी के बिना कोई कुछ करने जाएगा तो उसमें सफलता नहीं मिलता,
कुछ भी करने के लिए आपको उसकी विधि विधान को जानना चाहिए। जैसे आप लोग काशी आए हैं, काशी आने से पहले जो लोग काशी आए हुए गए हैं उनसे आप रास्ता भी पूछते हैं, किस गाड़ी से जाना, कहाँ उतरना, कहाँ गाड़ी बदली करना, इसको जब पूछते हैं सही से जानकर लेते हैं तो आप सीधा बरोबर काशी आ करके पहुंच सकते हैं। उसकी जानकारी के बिना जैसे कोई काम नहीं होता है, उसी प्रकार पूजा करने के लिए भी कुछ विधि है। उसके लिए बताते हैं, न यथा विधि लोपस्याद यथा देवः प्रसीदति यथागमः प्रमाणम स्यात् तथा कर्म समाचरेत। कहते हैं करते समय विधि का लोप नहीं होना चाहिए। तो पूजा की विधि क्या है, इसलिए हमारे धर्म में एक पूजा विधि पुस्तक छपाया जाता है, शिव पूजा विधि है। शिव पूजा करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, उठते जैसे चाय पीते उठते से पूजा नहीं किया जा सकता। बिस्तरा से जैसे आप उठते हैं, उठने के बाद पहले वहीं बैठे बैठे भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये आपका जीवन की विधि है। उठने से लेकर रात में सोने तक आपको किस समय क्या करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया। पहले बिस्तरा से जैसे आपको जागृता हो गई, जाग गए तो बैठे बैठे भगवान का ध्यान करना, मन में गुरु का ध्यान करना। उसके बाद अपने आंख खोल करके किसी को न देखने से पहले अपने हाथ को ही देखना। प्रभाते कर दर्शनम, क्योंकि इन्हीं हाथों के द्वारा आपका भविष्य बनने वाला है। आपको बिगाड़ने वाला आपका हाथ ही है, आपको बनाने वाला आपका हाथ ही है। आप अपने हाथों के द्वारा अच्छा कर्म करेंगे, आपका जीवन बन जाता है। यदि इन्हीं हाथों के द्वारा बुरा कर्म करेंगे तो आपका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा जीवन मत बिगाड़ो, तुम हमेशा अच्छा काम करने वाले हो। अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे हस्तो भगवत तरह, ए मेरे हाथ ही भगवान है, मेरे भाग्य विधाता है, मेरे भाग्य रचना वाले है, करने वाले। ऐसे विचार करके पहले हस्त दर्शन करना चाहिए। भूमि के ऊपर पैर रखने से पहले भूमि को भी नमस्कार करने को कहा गया, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादाघातम क्षमस्व मे। तो भगवान विष्णु के दो पत्नियां हैं, एक भूदेवी है और दूसरी लक्ष्मी है, ये दोनों भगवान की पत्नी है। तो उसके ऊपर हम पैर रख करके चलते हैं तो हमको उसकी क्षमा याचना करके जाने के लिए पहले भूमि को नमस्कार करो। उसके बाद आप शौचादि विधि करने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद धोया हुआ स्वच्छ वस्त्र को पहनना चाहिए, या तो रेशम का वस्त्र हो या तो सूती का हो, कोई भी होगा, लेकिन वो स्वच्छ होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। ऐसा वस्त्र को पहन करके स्नान करते समय आपको पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। यदि आप अपने घर के पानी से स्नान कर रहे हैं, आपके कुएं का ही पानी होगा, आपके नल का ही पानी होगा, लेकिन उसमें आपको सभी पवित्र नदियों को भावना करके आवाहन करना है, मैं गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नदियों से मैं स्नान कर रहा हूं, इस प्रकार भावना करके आपको स्नान करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आप पहनने के बाद स्नान घर से पूजा घर तक जब जाते हैं तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के वो पानी छिड़कते हुए वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि अपवित्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए। किसी बिना स्नान के व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा आप पानी छिड़कते हुए आप वहां तक जाएंगे। वहां जाने के बाद जब वहां पर आसन तैयार करना पड़ता है,
जब भी आप पूजा के लिए आसन पर बैठते हैं, वह आसन या तो पूर्व मुख होना चाहिए या तो उत्तर मुख होना चाहिए। दक्षिण अथवा पश्चिम मुख करके पूजा के लिए नहीं बैठना चाहिए। और जिस आसन पर आपको बैठना है, वो आसन पर ऐसे ही जा करके नहीं बैठना रहता है, वहां उसकी पूजा करनी पड़ती है। आसन की पूजा करके, उसमें बेल फूल चढ़ा करके, नमस्कार करके, उसके ऊपर पहले दाहिना पैर रह करके बाद में उसमें बैठना। आपको शादी वादी में कहते हैं पहले दाहिना दाहिना पैर रखो, दाहिना पैर रखो। उस तरह आप आसन में बैठने के बाद, जैसे आसन में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद पहले गुरु ध्यान करना है। गुरु ध्यान करने के बाद आप अपने इष्टलिंग को बाहर निकाल करके अपने वाम हस्त पीठ पर के रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा पहले पानी चढ़ाना, वस्त्र से उसको पोंछ लेना, उसके बाद उसको भस्म लगाना, नमस्कार करना, और गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मंत्र होगा उसको कम से कम 108 बार उसका जप करना। जप करने के बाद उस इष्टलिंग को पुनः वहां अंदर अपने उसके बेल में उसमें रख देना, लिंग पेटिका में रखना। लिंग पूजा के बाद दूसरी पूजा होती है अंग की पूजा। हमारा सिद्धांत है शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव हो करके शिव की पूजा करनी है, रुद्र हो करके रुद्र की पूजा करनी है। जैसे भगवान को आप पूजा करते हैं, उसी प्रकार अपने देह को भी भगवान मान करके उसकी पूजा करनी होती। तो देह की पूजा करने के लिए पहले तो स्नान तो हो चुका है आपका, अब आपको भस्म से उसकी पूजा करनी। तो भस्म लगाने के लिए केवल हाथ में लिया भस्म लगाए ऐसा नहीं है। भस्म लगाने का तीन विधान है, भस्मोद्धूलन, भस्म स्नान और त्रिपुंड धारण। ये तीन प्रकार का होता है। भस्म के गोला को अपने हाथ में रख करके उसका जो भी छोटे छोटे कण, उसका जो पाउडर होता है, उसको मस्तक से लेकर के पूरे शरीर पर उस भस्म के कणों को अपने शरीर पर छिड़काना चाहिए। इसका नाम है भस्मोद्धूलन। जैसे आप लोग पाउडर लगाते ही है, उसी प्रकार भस्मोद्धूलन करना चाहिए। पाउडर उद्धूलन नहीं, भस्मोद्धूलन करना चाहिए। तो हमारे अंग के ऊपर गिरे हुए जो भस्म जो कण है वो फिर नीचे नहीं गिरना चाहिए जमीन पर, इसलिए उसको अपने शरीर पर उसको मल लेना चाहिए। इसका नाम है भस्म स्नान है। इसके बाद होता है त्रिपुंड धारणम। तीन बोटों के द्वारा अपने कपाल पर भस्म लगाना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारे लिए भगवान पांच अंगुलियां दिया, इसमें किन का तीन का प्रयोग करना है। बहुत से लोग कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा से लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। भस्म लगाने के लिए पहला और अंतिम छोड़ देना चाहिए। अंगुष्ठ को भी छोड़ना और कनिष्ठिका भी छोड़ना, मध्य अंगुली त्रयेणैव। मध्य के तीन उंगलियों के द्वारा जितना कपाल आपका बड़ा है उतना पूरा पूरा भस्म लगाना चाहिए। उसमें कंजूसी नहीं करना, भस्म लगाने के लिए कंजूसी नहीं करना। बहुत से लोग भस्म लगाते लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। भस्म लगा, हाँ लगाया है, कहाँ है वो? पसीना से चला गया, पसीना से चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको पानी में मिश्रण करके जब लगाएंगे वो कितना भी पसीना छूटेगा तो जाता नहीं। तो इस प्रकार भस्म लगाने के बाद आपको रुद्राक्ष का धारण करना पड़ता है। तो सिद्धांत शिखामणि के रुद्राक्ष धारण स्थल में रुद्राक्ष को कैसे धारण करना, जिसका विधि पूर्ण रूपेण बताया गया। अपने मस्तक में कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कानों में कैसे धारण करना चाहिए, कंठ में कैसे धारण करना चाहिए, मणिबंध में, अपने बाहुओं में, अपने गले में, इस प्रकार अनेक अनेक मुखों के रुद्राक्षों की माला
ऐसे धारण साक्षात शिव ही रुद्राक्ष धारण करके बैठा हो, ऐसे अपने शरीर को भस्म से रुद्राक्ष से अलंकृत करना चाहिए। हम लोग अलंकार अलग से करते हैं, हमारे अलंकार की सामग्री अलग होती है। मन को विकार करने वाले अलंकार डाल करके हम शरीर को सजाते हैं, इससे हमारे मन में राजसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, सात्विक भावना उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, आप अन्य समय में कैसे भी रहो, लेकिन कम से कम पूजा के समय में पूजा के सामग्री के द्वारा एक बार अलंकार करके तो देखो, आपके मन में कितनी शांति होगी, कितना समाधान हो जाएगा, आपको बाद में मालूम पड़ता है। इस तरह भस्म से पूजा करके रुद्राक्ष के द्वारा अलंकार करने के बाद उस समय आपको जितना अधिक से अधिक जप करने का समय है उतना अधिक जप करना चाहिए, क्योंकि अपने हथेले पर इष्टलिंग रख करके आपको जप करना, अधिक जप करना संभव नहीं होता है। इसलिए 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जिसको जितना जप करने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना पूरा जप करना चाहिए। जप समाप्त होने के बाद फिर इष्टलिंग को निकाल करके उसको अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना। यदि आपको रुद्र पूरा कंठस्थ है तो बहुत अच्छा है, नहीं कंठस्थ भी है देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको पूरा रुद्र भी नहीं आता है तो कम से कम वहां का जो आठवां अनुवाक है, नमः सोमाय च रुद्राय च, उतना तो आप अवश्य पठन करते हुए भगवान के ऊपर जल धारा रखना है, धारा पात्र ऊपर रख करके इष्टलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक होने के बाद फिर आपके अपने हस्तपीठ पर पंचकोणी नक्षत्र चिन्ह तैयार करके उसमें मध्य में ओंकार और पांचों कोने में नम शिवाय, इस रीति से उसका पंचाक्षर महामंत्र का संबंध करके बीच में इष्टलिंग रखना चाहिए। उसके बाद आपके पास बेल फूल सब अधिक से अधिक होंगे तो भगवान के अष्टोत्तर शत नाम के द्वारा या अष्टोत्तर सहस्र नाम के द्वारा आपको जितना समय जितने सामग्री उसके द्वारा भगवान को आनंद से पूजा करना चाहिए। जैसे भोजन करते समय सब्जी लाओ, रोटी लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, आचार लाओ, ये सब चाहिए, उसी प्रकार जितनी अधिक से अधिक सामग्री के द्वारा भगवान की पूजा आनंद से आप करते हैं। वो पूजा होने के बाद आरती करना, आरती के बाद भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए जो बेल फूल है उसको इधर ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, उसको निकाल करके अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करना और उसी बेल को अपने मस्तक पर रखना, उसके पास उसको सूंघ करके मज्जन पात्र में डालना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा है भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए एक बिल्व पत्र को जब हमने मस्तक पर धारण करते हैं उसका पुण्य कितना है, 1,000 अश्वमेध याग करने के बाद जितना फल मिलता है उतना फल केवल अपने भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए एक बिल्व पत्र को अपने मस्तक पर रखने से उतना उसका फल मिलता है। इस तरह है वो पूजा होने के बाद फिर एक बार भगवान को धो करके उसको भस्म लगा करके फिर जितना शक्य उतना मंत्र जप करके बाद में उसी मंत्र के द्वारा आप तीर्थ को तैयार करके उसका तीर्थ को लिंग के ऊपर अर्पण करके तीन बार लिंग पादोदक, गुरु पादोदक, जंगम पादोदक, ऐसा तीन बार डाल करके उसको प्राशन करना चाहिए। प्राशन करते समय जैसे भोजन करते समय सुर सुर आवाज करते वैसे नहीं करना, उसको निशब्द से उसको प्राशन करना चाहिए और एक भी उसका तीर्थ का बिंदु उसमें नहीं रहना चाहिए, उसको पूरा अपने बदन में पोंछ करके पूरा इष्टलिंग को अपने पेटिका में रखेंगे। ये उसकी विधि है, ये पूजा की विधि है। तो कहते हैं न यथा विधि लोपस्याद यथा देवः प्रसीदति यथागम प्रमाणम स्यात् तथा कर्म समाचरेत। कहते हैं जैसे विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार और भगवान की कृपा हमारे ऊपर जैसी होगी उसको लक्ष्य में करते हुए शास्त्र प्रमाण के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए।
विधि ही शिवन योगोयम तस्माद् विहित कर्मणि शिवाराधन बुद्धैव निरतस्याद् विचक्षणः गुरोर आदेशमासाद्य पूजयेत् परमेश्वरम् पूजिते परमेशाने पूजिता सर्वदेवता। तो कहते हैं जैसे गुरु का आदेश होता है, गुरु के आदेश के अनुसार आपको अपने इष्टलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो पर यहां कहा जाता है जब शिवज्ञान हो जाने के बाद फिर इस पूजा को क्यों करना। तो कहते हैं अंध पंगुवद अन्योन्य सापेक्षे ज्ञान कर्मणि फलोत्पत्तो विरक्तस्य तस्मात् तद्वयम् आचरेत्। केवल ज्ञान के द्वारा जीवात्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक अंधा एक पंगु दो आदमी हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो अंधा है वह व्यक्ति पंगु के ऊपर बैठ जाएगा, उसके पैर और इसके आंख दोनों मिल जाएंगे तो दोनों पार हो सकते हैं। अथवा आकाश में उड़ने वाला पक्षी जैसे दोनों पंखों से उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। एक रथ जाने के लिए जैसे दो पहिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा को मुक्ति रूपी साम्राज्य तक जाने के लिए ज्ञान और कर्म ये दोनों उनको आवश्यक होता है। अतः ज्ञान होने पर भी कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे बताते हैं आचार एव सर्वेशाम अलंकाराय कल्पते आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदितः ज्ञानेन आचार युक्तेन प्रसीदति महेश्वरः तस्माद् आचारवान् ज्ञानी भवेद् आदेह पातनम्। इस क्रियागम स्थल को समापन करते हुए बताते हैं ये जो क्रिया है इसका नाम आचार है। आचार के बिना हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता। यदि हम ज्ञानी नहीं है, हमारा आचार रहेगा तो आचार से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। आचारहीन पुरुषः लोके भवते निंदतः, आचारहीन व्यक्ति इस प्रपंच में निंदा के प्राप्त हो जाता, निंदा के पात्र होता है। अतः इस शास्त्र में बताए गए सभी विधि विधान को करते हुए उत्तम आचार को रखते हुए ज्ञान की उपासना करने वाला व्यक्ति ही सद्गति को पा सकता है। इन्हीं वचनों के द्वारा आज का यह क्रियागम स्थल पूर्ण होता है। आगे के विषय के बारे में फिर हम कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण होता है। ओम शांति शांति शांति।